और पूर्वांचल जनता पार्टी सेक्युलर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय जारी है। बटाई पर किसान लगा देते हैं तो बटियारा मजदूर का क्या होगा? तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, यदि किसान बटिया पे देता है तो उसके पैसे आधे आधे हो जाएंगे, 25,000-25,000 हो जाएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो कहना चाहूंगा, माओवादियों की समस्या, नक्सलवादियों की समस्या, उग्रवादियों आतंकवादियों की समस्या से हम पीड़ित हैं पूर्वांचल में। ये तो नेशनल मीडिया ने कभी ध्यान नहीं दिया, 6 जिला का कश्मीर जो है वो ने हाईजेक कर रखा है पूरे पूर्वांचल को, पूरे हिंदुस्तान को। 6 जिला, 700 जिला में 6 जिला ने हिंदुस्तान को हाईजेक कर रखा है। हम एक श्वेत पत्र लाएंगे 47 से लेकर के 2019 तक कश्मीर पर कितना खर्च हुआ, व्हाइट पेपर। और माओवादी के खिलाफ जितनी भी FIR है वो हम उन्हें वापस लेंगे और उनको एस्टेब्लिश करेंगे, रिहैबिलिटेट करेंगे। ये हमारे पार्टी का एजेंडा है। वो कहते हैं हम तालिबान से बात करेंगे, वो कहते हैं पृथकतावादी बात करेंगे, उनसे वो बात कर सकते हैं, जो अपने घर के लोग हैं उनसे बात नहीं कर सकते। वो माओवादी कहां है? बंगाली है, बिहारी है, उड़िया है, आंध्र प्रदेश के हैं। वो आज 70 साल से जंगल में रह रहे, क्यों रह रहे जंगल में? राम भगवान की वापसी 14 साल में हुई थी, उनकी वापसी, घर वापसी 70 साल में नहीं हुई है, 3 जनरेशन हो गया। वो नहीं आएंगे हमारे पास तो हम उनके पास जाएंगे जंगल में, हम उनसे पूछेंगे मुद्दा क्या है, भाई हथियार डालो। और ये प्रेरणा एक बिहारी से मिला है, जयप्रकाश नारायण से, जिन्होंने चंबल को दस्यु विहीन कर दिया। मानसिंह माधव सिंह ने उनके चरणों में राइफल रख दी और आज पूरा चंबल शांत है। ये किसी और में नहीं, ये पूर्वांचली की ही ताकत है कि हथियार भी रखवा सकता है। बुद्ध ने उंगली माल को हथियार रखवाने पर मजबूर कर दिया, तो हमारा DNA उन्हीं से है। आप आए, बहुत सारी बातें आपसे करनी है और लेकिन समय का अभाव है, और भी बहुत सारे काम है, इसलिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आप सभी के चरणों में मैं फिर से नमस्कार दंडवत करता हूं, कोट-कोट प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय पूर्वांचल, जय भारत। धन्यवाद। हेलो, अब बस 5 मिनट में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करेंगे। मीडिया के सभी बंधु हमारे आ गए हैं यहाँ पे, बस डैस लग रहा है 5 मिनट के लिए, क्योंकि 2:30 बजे से कई चैनलों पे लाइव प्रसारित होगा और कई चैनलों के हमारे जो साथी लोग आए हुए हैं उन्होंने हमें बताया, तो कृपया आप लोग बस 5-7 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पे जगह देंगे मीडिया को पूरा सेट करने के लिए। और यहाँ के सर प्लीज आप लोग यहाँ पे डैस जल्दी से लगाइए मीडिया के लिए। धन्यवाद। ठीक मिल रहा है? पूर्वांचल जनता पार्टी सेक्युलर के भी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जहां तमाम दलों की बैठक जारी है और बैठक के बाद बातचीत का दौर जारी हुआ और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जैसा कि घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा चुनाव के 48 घंटे पहले, तमाम दलों की तरफ से घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है पूर्वांचल जनता पार्टी सेक्युलर की, और वहीं NTA की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है पटना में। तो यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है, वहां महागठबंधन में आपस में ही टूट हो रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ खड़ा था महागठबंधन एक के साथ एक हाथ जोड़कर, लेकिन वो महागठबंधन भी अब टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से फूट पड़ी हुई है, सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है, खींचतान मची हुई है, जहां कांग्रेस कह रही है कि 11 सीटों पर हमें अपने प्रत्याशी उतारने हैं, तो वहीं JDU का कहना है कि 8 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को नहीं मिल सकती हैं। तो पूर्वांचल जनता पार्टी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है।
दिल्ली में पूर्वांचल जनता पार्टी सेक्युलर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो यहाँ पर भी जल्द ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में चल रही है पूर्वांचल जनता पार्टी सेक्युलर की। तो एक तरफ एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है पटना में, वहीं पूर्वांचल जनता पार्टी सेक्युलर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो यहां पर भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। तो लगभग सभी पार्टियों की तरफ से सीटों का बंटवारा कर लिया गया है, अब उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी जल्द ही कर दी जाएगी। हमारे सामने जल्द ही उम्मीदवारों के नाम होंगे, तो किस उम्मीदवार को वोट देना है ये जनता तय करेगी, लेकिन उम्मीदवारों को तय करना पार्टी का काम है। फिलहाल किस उम्मीदवार को कहां से चुनाव लड़ाएगी पार्टी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है काफी अहम इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से मोदी लहर थी, अब वो बदलने वाली है। तो पूर्वांचल जनता पार्टी की जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पूर्वांचल जनता पार्टी सेक्युलर की दिल्ली में पीसी शुरू हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। श्री शिवेंद्र गौर जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं साउथ इंडिया, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, गोवा, इन सभी राज्यों के प्रभारी श्री केशव यादव गणपति जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री फारूक हजारिका जी जो कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों के कोऑर्डिनेटर भी हैं, और एक विद्वान हमारे साथी और राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविंद प्रसाद चौधरी जी जो कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कुछ राज्यों के प्रभारी हैं। साथ में हमारे पार्टी के पूरे भारत से 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर सभी राज्यों के राज्य अध्यक्ष, वहां के प्रतिनिधि, आप सभी लोग यहां आए, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। कुछ देर पहले मैं मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की स्थापना 4 जनवरी 2015 को हुई थी, उसके बाद से लगातार हम पूरे भारत में घूम घूम कर देश के तमाम शुभचिंतकों को साथ लेकर पार्टी का लगातार हमने पूरे भारत में विस्तार किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस तरह से देश में मौजूदा राजनीति की स्थिति है, देश को एक तीसरा विकल्प चाहिए, क्योंकि हमारा राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। इस राष्ट्र को सींचने में, इस राष्ट्र को महान बनाने में भारत के कई महान सपूतों ने अपना बलिदान दिया है। यह विश्व का गौरव हुआ करता था, हमारे कई महापुरुषों ने विश्व को एक रास्ता दिया है। उस मद्देनजर हमारी पार्टी के तमाम राज्य के पदाधिकारियों ने यह मांग की राष्ट्रीय नेतृत्व से कि हम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके लिए इस लोकसभा चुनाव 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए हमें अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चाहिए।
हमने नेशनल काउंसिल की मीटिंग आज रखी, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। और मैं आप सबको बता दूं कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व एवं सभी राज्य के प्रतिनिधि, प्रदेश अध्यक्ष, संस्थापक सदस्य, हमारे तमाम वेलविशर जो यहां मौजूद हैं, सबने मिलकर हमारे पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश चंद्र झा जी के नाम की घोषणा की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपको भारत जैसा राष्ट्र मिला है, कि आपको महान भारत को कैसे चलाना है, कैसे इसका भविष्य बेहतर बनाना है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं आपको। साथियों, इतिहास गवाह है कि जब कुछ अच्छा होना होता है तो कोई ना कोई शक्ति हमें प्रेरणा देती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हुई है, जहां पर देश भर में आए पार्टी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। भारत बहुत ही शक्तिशाली है, भारत में ना विद्वता की कमी है ना शक्ति की कमी है। अब हम सीधे हमारे परम आदरणीय को इस पार्टी की स्थापना हुई थी, पूर्वांचल जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहां पर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। कुछ ही देर में उम्मीदवारों की घोषणा भी की जाएगी और प्रधानमंत्री पद के नाम के लिए भी घोषणा की जाएगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। पार्टी अध्यक्ष मुकेश सिंह की अध्यक्ष में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें सभी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। तो पूर्वांचल जनता पार्टी सेक्युलर की शुरुआत 4 जनवरी 2015 को हुई थी, इसकी स्थापना। तो लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन जारी है, बैठक में चर्चा हुई है, पार्टी के अध्यक्ष मौजूद हैं, मुकेश सिंह पार्टी के अध्यक्ष हैं जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। रुकते हैं यहां पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है और सीधे चलते हैं, पूर्वांचल जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझता जिन्होंने मुझे पहले वर्णमाला की शिक्षा दी। तो आप जानते हैं कि हमारा परिवार शुरू से उदारवादी रहा, हम जात पात और की बेड़ियों को हमने हमेशा तोड़ा और हम अपने तो पूर्वांचल जनता पार्टी सेक्युलर की इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सिंह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं और जैसे कि 15 राज्यों समेत बिहार में 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पूर्वांचल जनता पार्टी। फैकल्टी ऑफ लॉ XLRI जमशेदपुर, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी लीगल तो
तो पूर्वांचल जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा शुरू कर दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो देश के 15 राज्यों से चुनाव लड़ेगी पूर्वांचल जनता पार्टी, जहां पर बिहार में 40 में से 40 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने वाले। मगना को आका और एक कतरा को दरिया बनाने में वो रखते हैं, तो महबूबे इलाही को सलाम भेजता हूँ इस डाइस से, और काकी बख्तियार जी को सलाम भेजता हूँ बहरौली वाले को, और बाबा फरीद को, और साथ में जो मेरे बड़े अजीज रहे, समय समय पर उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। और ऐसे चेन्नई के एक मोर नाम के जगह पर मोती बाबा हैं, मोती बाबा को आज इस अवसर पर मैं सलाम पेश करता हूँ। सारे दसों गुरु साहिबान में गुरु नानक जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह साहिब तक को के चरणों में मत्था झुकाता हूँ। क्राइस्ट और कृष्णा को बराबर सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जितने भी धर्म, जितने भी गुरु हैं, उन सबके चरणों में अपना मत्था टिकाता हूँ और उनको कहता हूँ कि आपके इल्म की वजह से हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपको गुरु दक्षिणा में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई इससे पहले और चर्चा हुई, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा रही है, जहां पर मुकेश सिंह पार्टी के अध्यक्ष जो हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, अपनी पार्टी की काबिलियत को बता रहे हैं, अपनी पार्टी की सराहना करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में बिहार की इस पार्टी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, तो 15 राज्यों में चुनाव लड़ेगी। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश भर से तमाम पदाधिकारी आए हुए हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है 4 जनवरी 2015 को इस पार्टी की नींव रखी गई थी। तो अध्यक्ष मुकेश सिंह की अध्यक्षता में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया जा रहा है। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश के पदाधिकारियों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है। हमारे ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे चुनाव चिन्ह वायलिन पर आप लोग चुन करके पार्लियामेंट आए और एक भारत को सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना सहयोग दान करें। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बार बार ये चर्चा होती है भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। हमारा मानना है, हमारी पार्टी का रिसर्च है कि भारत विश्व गुरु बनेगा एक कौम की वजह से। बगैर पक्षपात किए हुए बोल रहा हूं, वो है मुसलमान कौम। मुसलमान इस भारत को बनाएंगे विश्व गुरु। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि 55 से ज्यादा इस्लामिक राष्ट्र है, हर राष्ट्र में जिहादी एलिमेंट आ गए हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, मुसलमानों को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान का मुसलमान विश्व को एक नया आयाम देगा, नई शिक्षा देगी और शांति तो पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सिंह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं। उनका कहना है कि वायलिन का बटन दबाया, जैसा कि वायलिन इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। युवा साथियों के लिए मैं कहता हूं, जो अभी यंग है, अभी 18 से 19 साल के लोग 1.5 करोड़ हो गए हैं, मैं कहता हूं कि भाई मैं युवा साथियों से चंदा लूंगा। आप जियो का रिचार्ज 49 रुपीज 48 का कराते हो, इस बार लोकसभा इलेक्शन में अपने भाई के लिए भाई समझो, चाचा समझो, ताऊ समझो, उसके लिए एक 40-50-30 रुपया का रिचार्ज मेरे पार्टी को भी कर दो और देखो आपके लिए मैं क्या करता हूं 2019 में। ये आपसे वादा है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमारे को समर्थन करो। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे पास आओ,
केवल जहां बैठे हो वहां केवल एक मिनट के लिए सोच लो, पूर्वांचल जनता पार्टी, हमारा काम हो गया। हम नहीं कहते सड़क पे आओ, क्योंकि हमको प्रोटेस्ट धरना, हम सुभाषवादी हैं, हम कोई गांधीवादी नहीं है कि भूख हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे बाप दादाओं ने मुझे आजादी दे दिया है, हम कानून के हिसाब से हम चलेंगे, और हम इलेक्शन में आकर के हम जनता के प्यार की वजह से जो ईवीएम पर बटन आप दबाओगे, मुझे आप वोट दोगे, उससे हम देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना करने में कामयाब होंगे। इसी के साथ आपको एक और चीज में बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। देश में जो वायलेंस और हिंसा हो रही है, हमारे पार्टी का मानना है कि जो वायलेंस और हिंसा है वो टोटल स्टेट का मोनोपोली होना चाहिए। किसी आदमी, किसी इंडिविजुअल, किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के हाथ में वायलेंस नहीं होना चाहिए। कंप्लीटली वायलेंस शुड बी कंप्लीटली मोनोपोली ऑफ द स्टेट, एंड दैट टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये जो कोई भी आदमी हाथ में हथियार उठा लेता है, ये हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हथियार वायलेंस करने का एकमात्र पावर इंडियन स्टेट को है। और फिर सवाल उठता है, इंडियन स्टेट वायलेंस कैसे करेगी? थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वेलफेयर स्टेट है, वो पिता के रूप में है। हम चाहते हैं आप लोग ये जो धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति है, उससे अलग अट करके एक स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत को कभी भी आप ऐसा झुकने ना दें। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और अपने पत्रकार बंधुओं से कहते हैं कि आप सवाल। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि पूर्वांचल जनता पार्टी जो 2019 में जाएगी, आपके पार्टी का एजेंडा क्या है, किस मुद्दे पे आप जनता के बीच में जाएंगे? सबसे बड़ा एजेंडा तो है मोहब्बत का, क्योंकि आज इतनी फिरका परस्ती हो गई है, जाति जाति में भेद हो रहा। आपने देखा होगा नारे लगते हैं कि हम, तुम 15% हो, हम 85% है, तुम भारत छोड़ो, तुम 5% हो, हम 90% है, तुम भारत छोड़ो। तो जब ये भारत छोड़ो की बात करते हैं तो हमारा एजेंडा रहेगा भारत जोड़ो, सबको जोड़ो, किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन मत करो। ये सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा, क्योंकि हमारा मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों की सरहदों को मिटा दिया था, लेकिन 70 साल में जो हमारे दिलों में सरहदें बनी हैं उसको कोई मिटा नहीं पाया है। पूर्वांचल जनता पार्टी इस मुद्दे के साथ जाएगी कि आओ थोड़ा हम मोहब्बत से बात करें, देश के बारे में बात करें। आपने तुष्टिकरण हमें मालूम था आप ये सवाल पूछेंगे। कारण क्या है कि मुसलमानी राज 57 राज है, 57 स्टेट है, 57। सवाल ये उठता है कि 57 कंट्रीज में, यदि 57 कंट्रीज में आपकी बात जाएगी और वो आपकी बात मानेंगे तो आप तो ऑटोमेटिक गुरु हो गए ना, विश्व गुरु हो गए ना। तो ये धर्म की नहीं, धर्म की नहीं है, शांति की राजनीति है, पीस की राजनीति है, मोहब्बत की राजनीति है सर। कारण क्या है कि हिंदुस्तान का जो स्कॉलर है, जो मुफ्ती है, वो ऐसी सलाह पूरे विश्व को दे कि ये दंगा फसाद ना हो। तो यदि इनकी बात, हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात, इन 57 मुस्लिम कंट्री मानेंगे तो हमारा भारत विश्व गुरु होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। दूसरा सवाल है कि अभी आप अपने स्टेटमेंट में कह रहे थे कि आम आदमी आज के डेट में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हाँ, और इस तरीके की स्थिति में आप कैसे देख रहे हैं, आप कैसे लड़ेंगे चुनाव? हम देखिए, हम यही कह रहे थे आपसे कि आम आदमी हम ऐसे लड़ेंगे चुनाव। हम जनता को, आजकल पैसा क्यों खर्च हो रहा ज्यादा, जनता को वोट खरीदा जाता है, पैसे दे करके, लालच दे करके, चुनाव प्रचार में इन्फ्लुएंस करके, मीडिया चैनल को मैनेज करके, अखबार को मैनेज करके, पेड न्यूज देके, उसमें ज्यादा पैसा खर्च होता है। सवाल खड़ा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन पे क्या सवाल? आज ओपन सीक्रेट है कि अरुणाचल प्रदेश में एक एमएलए को लड़ने के लिए 30 करोड़ रुपया चाहिए। ये ओपन सीक्रेट है कि अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ने फांसी लगा ली क्योंकि चुनाव में इतना खर्चा हो गया वो कर्जा नहीं दे पाया। दिस इज ए ओपन सीक्रेट। हम आरोप क्या लगा रहे हैं, इट इज ए फैक्ट। पुल मर गए थे। आप सुनिए, मैं बता रहा हूं, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बजट तय किया है 70 लाख, और हमारा पार्टी मुश्किल से 20 लाख के अंदर चुनाव लड़ेगी, तभी तो आम आदमी, सामान्य आदमी, अपर मिडिल क्लास आदमी आएगा, वो
भी चंदा देकर के 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया आप सब मेरे चंदा के लिए अपील किए अपने युवा साथियों को कि आप रिचार्ज कराओ 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये का। मुझे कॉरपोरेट से कोई चंदा नहीं लेना है। अभी आज पहली बार चंदा के लिए अपील किया है इसलिए चंदा इकट्ठा नहीं हुआ। आप अगले हफ्ते से आप पूछेंगे चंदा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, मैं जवाब देता हूँ। आपसे सवाल है, कि आप जो उम्मीदवारों को टिकट देंगे जी, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, किस बेसिस पे आप देंगे? सबसे पहली बात तो 50% टिकट तो बटेंगे केवल जवानी के क्राइटेरिया पर, आप युवा है, कोई धर्म जाति नहीं, आप युवा है, यूथ को हमारे पार्टी में 50% रिजर्वेशन है। हम आपको ग्रूमिंग करेंगे युवा साथियों को फ्यूचर लीडर बनाने के लिए। हम चाहेंगे 25 साल का 28 साल का 30 साल का लड़का लड़की पार्लियामेंट में आए, हम उनका मेंटर का रोल अदा करेंगे। हम कितना दिन जिएंगे भाई, हम परिवारवाद के साफ खिलाफ हैं। इसलिए मुझे पूरा हिंदुस्तान परिवार दिखता है और इस हिंदुस्तान से मैं 500 बेहतरीन लीडर तैयार करने वाला हूँ 5 साल में, जो हर लीडर PM बनने लायक होगा। किसानों के ऊपर सर 50,000 रुपया हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं किसानों को, 50,000, क्योंकि हमें मालूम है कि 50,000 उनको दिया जा सकता है, हमारा स्टडी है। सब्सिडी का पैसा हम मिनिमाइज करके वो डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, किसानों को 50,000 देंगे। सरकार बनने के 1 महीने के अंदर। तो पूर्वांचल जनता पार्टी सेक्युलर की इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।